बहराइच के करतनिया घाट में एक बार फिर बाघ ने एक युवक को अपना निशाना बना लिया। ताजा मामला अंबा गांव का है, जहां खेत की रखवाली कर रहे एक युवक को बाघ ने निवाला बना लिया। दरअसल गेरुआ नदी से सटा गांव निवासी शाकिर अली का खेत है, जिसमें गेहूं की फसल लगी हुई है। फसल को वन्य जीव आए दिन नुकसान पहुंचाया करते हैं, इसीलिए बटाईदार मुराली का बेटा राकेश पासवान बीती रात खेत की रखवाली करने गया था। सुबह जब वो घर नहीं लौटा तो घर वाले उसे बुलाने के लिए खेत पहुंचे, जहां उसका क्षत विक्षत शव खेत में पड़ा मिला। वहीं इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। एक राकेश नाम का लड़का जो ग्राम आम्बा में रहता है, वो अपना खेत गेहूं का बचाने आया था रात में, तो उसको बाघ ने मार दिया। सुबह जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले आए देखने के लिए, तो वो डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है साइड में। बाघ बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिया है। फिर वो के परिवार जन वाले देखिए ना, रो रहे हैं, देख रहे हैं। इससे पहले भी बाघ की घटना इस गांव में हो चुकी है? हाँ हाँ, साइड गांव में हुई है, जैसे बर्दिया में हो चुकी है, बिसनापुर में हो चुकी है। ये पहला घटना है जो आम्बा में हुआ है। अच्छा, वन विभाग के कोई या पुलिस कर्मी कोई पहुंचा? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है। वहीं मामले की जानकारी होते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद डीएफओ ने बाघ के हमले में युवक की मौत की पुष्टि की। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट।